बोला आपको कुछ कर्जा की जरूरत है, कुछ कर्जा दो, मैं समय के बाद आपको लौटा दूंगा। उसने दे दी, और जब समय हुआ कर्जा लेने का तो क्या बोलता है, मैं कल दूंगा। कल बोला मैं परसों दूंगा। परसों जब आया बोला चार दिन और टाइम दो। चार दिन में क्या किया वो, कि वो बोईसर है ना भैया, बोईसर से वो डायलर पूछ गया, कौन कौन बोलिए, बोईसर से डायलर कौन पहुंचा, कंफ्यूज है आप लोग, अरे लोमड़ी पहुंचा और कौन पहुंचा। और जब डायलर पहुंचा तो डायलर में धरती है कि नहीं है, डायलर बिना धरती का है, वहां धरती मां बोली दो तीनों कह दो, तू यहां भी आ गई राजा को बोईसर में लेते थे, तू यहां कैसे आ गई। बोला ठीक है तुम हमको चार दिन आउट आएंगे। तू कहा गया फ्लाइट पकड़ा मुंबई से और सीधा दुबई चला गया। जब दुबई उतरा तो दुबई में धरती है कि नहीं, धरती माँ वहां बोली दो हो गया ना टाइम दो, तुझे तू दुबई भी आ गई, उतना जल्दी कैसा बोईसर मिली, अपने दादा में भी तू मिली, दो धरती यहां भी आ गई, बोला अभी भर समय ले सकता उसके बाद पक्का दे दूंगा। वो बेचारा भाग गया अमेरिका। अरे अमेरिका जब उतरा तो अमेरिका का बिना धरती है, वो भी धरती है कि नहीं है, वो बोले कि चलो निकालो। अंत में लोमड़ी को देना पड़ा तो धरती माँ बोली कि तुम ऐसा आदमी से पंगा लिए हो बाबू कि तुम जहाँ जाओगे हमें पाओगे। और डीएक्स सरकार की वही कहानी है, तुम कहाँ जाओगे। महसूस कीजिए यही कॉफी तो दुबई का प्रिंस भी पीता होगा। अरे सर जी यहाँ का जो मंत्री है ना मुख्यमंत्री, उसका क्या खाना होता होगा, चेक होके जाता होगा। जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ना उसका खाना चेक होके जाता होगा कि क्वालिटी कैसा है। ये तो दुबई का राजा है, इसके पास क्या मैंने सब चल जाता होगा कि चेक हो ये के जाता होगा। और चेक होके जब कोड़ी से पहुंच गया इसका मतलब है कोड़ी से हर जगह पर ओके पाया गया तब तो यहाँ पहुंचा। तो ये आपको महसूस करना, जब जब वो कॉफी पीना है तब तब बोलना है आपको कि मैं वो कॉफी पीता हूँ जो दुबई का प्रिंस पीता है। ये हमारा डीएक्सएल कॉफी से कॉफी, यही कॉफी दुबई का प्रिंस पीता है और यही कॉफी डीएक्सएल का एक आम आदमी पीता है। पढ़ा लिखा की बात करें तो डॉक्टर रिपन कोशी कॉस्मेटिक सर्जन चेन्नई, एमबीबीएस एमएस बीएमपी डबल एमसीएस लंदन से पढ़े। इनके दिमाग में घुस गया और ये घुसी नहीं गया, एक क्राउन डायमंड भी बन चुके हैं। सोच लीजिए आप कहाँ हैं आप अभी, डबल सब गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है, मैराथन दौड़ में पास आउट आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है सर, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलता ही होगा, ये लोग क्राउन डायमंड बन चुके हैं। डॉक्टर रत्ना वसुपाल एमबीबीएस एफसीजीपी एफसीआईपी एफजी सीएफजी अमेरिका से पढ़ी है, ये हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च की होगी कि छोड़ दी होगी कि बोलसे वाले करेंगे कुछ थोड़ी होगी, सब जांच पड़ताल हो चुका है। डॉक्टर एस रंजन एमबीडीएम कार्डियोलॉजी हृदय रोग के विशेषज्ञ, इनका पढ़ाया हुआ चेहरा पूरे वर्ल्ड में, जितना भी हार्ट का डॉक्टर होगा ऐसा कोई नहीं होगा जिनको नहीं जानता होगा, इनसे नहीं पढ़ा होगा, लगभग लोगों को तो ये पढ़ा चुके हैं। और भारत के दो भूतपूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर है और यहाँ हम लोग जो है हम इन्हीं के डाउन लाइन में आते हैं, एक जोरदार ताली होना चाहिए। डीएक्सएल के साथ है हमको क्या होना चाहिए, डर डर के काम करना चाहिए, करना चाहिए। अरे शेर की तरह दौड़ना है, जैसे शेर दौड़ता है वैसे शेर की तरह दौड़ना है, खुशामद नहीं करना है, बता देना है लेगा लेगा नहीं लेगा जाओ, बहुत है 5 किलो आम आया है एक सड़ में निकल जाएगा फेंको ना, हमें हमें एक खाए वाला चार बोटी बोटी उसको चूस लेगा सब। समझ में आया, तो हमारे पास आम कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। अरे 140 करोड़ आदमी इंडिया में, 20 बहुत आदमी चाहिए,
कई बार भी चाहिए मिलेगा कि नहीं ज्यादा बताने को दाग रहे हाँ फ्रेश लाइए उसमें दिमाग लगाने का ज्यादा दाग बैठ कर रहे तो उसको मेरे थोड़ा पीछे घूम घूम गया उसके बाद ज्यादा सटाने का नहीं उसके बाद हमारा इंडिया में 7 फैक्ट्री है डीएसएन का माय डियर फ्रेंड एक भी अगर कंपनी का फैक्ट्री हो इंडिया में तो दिखाइए बहुत सारी कंपनी आपको मिलती है एपीजी कंपनी फुल फॉर्म भरी पूछे बता देंगे अभी नहीं बताएंगे समझ गए एक भी एपीजी कंपनी का फैक्ट्री है तो बता दीजिए लोग फंसे हुए हैं तो भाग रहे हैं डीएसएन का पूरे वर्ल्ड में 26 फैक्ट्री है और उस 26 में से 7 इंडिया में है डाउट में आप ये हमारे गुरुजी प्रोफेसर सर गए थे घूमने पांडिचेरी और तेलंगाना सरकार 100 एकड़ जमीन सिद्धिपेट में दिया है किसको डीएसएन सरकार बाकी कंपनी को ताला लगा रही है और डीएसएन को बुला रही है आओ आओ 100 एकड़ यहाँ लो आओ चाहिए आओ लो 100 एकड़ वहां पर थी दे रहा दू जगह ना 200 एकड़ डीएसएन को जमीन मिला है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा और फैक्ट्री बन के तैयार है और उस फैक्ट्री को हम घूम भी चुके हैं 2022 में यहाँ बहुत सारे लोग गए थे जो भी डबल डायमंड निगम है वो लोग गए थे वहां पर घूम करके आए हैं कैसा फैक्ट्री है कितना दूर में है इतना दूर में है कि बस से घुराया गया पैदल बस की बात नहीं पैदल तो देखिए कि सब भाग जाता वहां से कोई देख भी नहीं करता इतना दूर में बना है तो क्या है डीएसएन के पास उस अजूबा चीज को आप समझ जाइएगा तो पता चल जाएगा कि डीएसएन के ग्रोथ के पीछे कौन है काम कर रहा है और वो काम कर रहा है कैनेडा में ये जड़ी बूटियों का राजा कैनेडा में इसके बारे में लिखा है कि सूप ऑफ द इंपेरर राजा महाराजा इसका सूप पीते थे और 1000 रानी रखते थे ये पावर किसका था आज का राजा कई रानी रखते हैं ये वो तो समझा ही नहीं रहा उनको से तो ये पावर कहां से आ रहा ये पावर ज्ञानोधर्मा से आता था आप मोबाइल में गूगल खोलिए आपके मोबाइल में गूगल है ना नोट कर लीजिए घर जाके देखिएगा किंग ऑफ हर्ब सर्च कीजिएगा रेसी मशरूम का नाम आएगा रेसी मशरूम का नाम और कितना पेज आएगा 11,20,00,000 पाना है ठीक है सब पढ़ लीजिएगा बड़ा सारी खोल के 11,20,00,000 पन्ना है पढ़िएगा आपका उम्मीद है कि बाल तो पक जाएगा पढ़ते पढ़ते इस रेसी मशरूम को बताया गया है किंग ऑफ हर्ब है और हमारा चाय का नाम क्या है रेसी गैनो यानी जड़ी बूटी का राजा इसके अंदर डाला हुआ है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल पे बताया गया है और गूगल पे जब आपको पता चल गया कि रेसी मशरूम यानी गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है तो गूगल से फिर पूछिए कि दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी कौन है वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी अपना खाली गूगल पे लिखिए एक नाम आएगा सिर्फ देश चेक नहीं जिसको भी बताइए उसके मोबाइल में चेक करो तू चेक कर तू अपने से चेक करो तुम्हारा क्या आता है देखो ताकि उसको पता चल जाए कि एक सही जगह पर आप उसको ला रहे तो डाउट मत रखिए उसको साफ कुछ सामने दीजिए दूरदर्शन क्या बोलता है गैनोडर्मा के बारे में भारत सरकार का न्यूज चैनल है इस पर ऑथेंटिक न्यूज आता है फालतू न्यूज नहीं आता है इस न्यूज में क्या बताया गया है दूरदर्शन पर सुनिए इनकी बातों मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों और सलादों का आज हम बात करेंगे रेशमी मशरूम की जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है अब तक चीन जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशमी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर और मशरूम के वैज्ञानिकों को भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन फाइबर कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं
रेशम मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः दो केमिकल कॉम्पोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सुन लिए क्या बोला? दूरदर्शन बोल रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी। सोचिए अभी कोविड आया था, कोविड में सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का था, इम्यूनिटी जिसका कमजोर है कोविड उसको ले गया, कोविड इसको बढ़ाने की शक्ति इसके अंदर है। मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है और हमारे देश के वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, भारत में हजारों करोड़ डॉलर का मार्केट है इसका, हजारों करोड़ डॉलर मतलब 90 रुपया से गुना कर दीजिए, 90,000 करोड़ का मार्केट है इसका। किसी को पता नहीं है, मार्केट खाली है, जिसको पता है आधा के तो गलती है पता है, आधा के कुछ पता नहीं है। आपके पास मौका है दोस्त, छाप दीजिए। ज्ञानवर्धन को समझना है तो आप अपने शरीर को समझिए। आप कहाँ से हैं? आपका घर कहाँ है? बिहार। बिहार है आपका? आपका घर गोरखपुर। कोई गोरखपुर घर है, कोई बिहार घर है। अब आप समझिए, आपका असली घर आपका शरीर है। कहाँ असली घर? शरीर। वो गोरखपुर वाला घर गोरखपुर में है, यहाँ कौन है? हमेशा कौन रहेगा आपके साथ? शरीर। आप किस घर में रहते हैं? इसमें आप रहते हैं। आपका घर कौन सा है? हमेशा याद रखना आपका असली घर कौन है? शरीर। और ये शरीर कैसे बना है? सेल से। जड़ क्या है? सेल। ये मजबूत तो बॉडी मजबूत, ये कमजोर बॉडी कमजोर, ये मरा ये मरा, ये बुढ़ा हुआ ये बुढ़ा हुआ। आगे समझ में? तो हमको ठीक इसको रखना चाहिए कि इसको रखना चाहिए? किसको? 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 इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास सेल होगा? हैं? और जहां सेल होगा वहां इस सेल होगा कि नहीं होगा? बस इसी का खेल है, शेर का बहुत सिंपल भाषा में समझिए, ये शेर का खेल है। जहां शेर है वहां इसका शेर है, जहां शेर नहीं है वहां इसकी जरूरत नहीं। तो आप देखिएगा मार्केट में जहां जहां शेर दिखेगा उसको टच कीजिएगा, जिसमें शेर नहीं दिखेगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये शेर को ठीक रखने आ गया तो शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आइए देखते हैं सेल कैसे ठीक रहता है। ये सेल, सेल मतलब ये बस नहीं खाली सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा अंग पुर्जा लगा हुआ है। असली एनर्जी कहाँ बनता है? इसी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर है। एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल के अंदर जितना आप देख रहे हैं ढेर सारा, ये सारा पार्ट पुर्जा को ठीक रखना है तो दो काम करना होगा, गंदगी निकलते रहना चाहिए सेल के अंदर से, और दूसरा इसको ऑक्सीजन और पोषण मिलते रहना चाहिए। अगर ये दो काम हो गया आप कभी नहीं बीमार पड़ेंगे। आपका मशीन जितना दिन के लिए बना है उतना दिन चलेगा, पक्का बात है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए होगा। तो गंदगी जा रहा है हवा से, पानी से, भोजन से, डेली घुस रहा है गंदगी, ये जा करके आपके सेल के अंदर जमा हो रहा है, और जिस अंग के सेल में जाएगा, जिस अंग के सेल में ज्यादा बढ़ेगा उसी अंग से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होगा। समझो खेल को, जैसे आपने खाना खाया तो लीवर के पास गया, लीवर क्या है? एक अंग है, लीवर के अंदर सेल है, और लीवर में अगर गंदगी बैठ गया तो लीवर काम करेगा? नहीं सर। तो काम नहीं करेगा तो खाना पचेगा? नहीं सर।
खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा? गैस बनेगा। गैस बनेगा। आगे देखते हैं, तो ये सेल के अंदर से गंदगी कौन निकालेगा? दुनिया में कोई दवाई नहीं बना जो सेल तक पहुंच जाए, और कोई जड़ी बूटी नहीं है जो सेल से गंदगी निकाल दे। एक वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ कहना बनवा है। अब आप सोचिए आप कहाँ है, आप बैठे हो, कितना अजूबा चीज आपके हाथ में है। ये सेल से जाकर के गंदगी को निकालता है और इसी से हमारा बना हुआ है रेसी गैनो टी, इसी गैनो डर्मा को डाल करके इसमें तैयार किया गया है। अभी क्या करेगा, इसको जब पिएंगे इसके अंदर गैनो डर्मा है, गैनो डर्मा पूरा गंदगी को बाहर निकालेगा और क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और क्या करेगा, इसके अंदर चाय भी है, चाय का भी मजा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्त, अगर लीवर के अंदर गंदगी होगा, खाना नहीं पचेगा, तो आपको गैस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो गैस बनेगा तो आप डॉक्टर कहने लगे बताते हैं, डॉक्टर साहब गैस की दवाई दीजिए, आप खाएं गैस ठीक हो गया। आपका दवाई लीवर के अंदर जो गंदगी है उसको निकाला, वो क्या किया, गैस को ठीक कर दिया। फिर कल खाना खाएंगे, आपको गैस होगा कि नहीं होगा? होगा। जब होगा तो फिर दवाई खाएंगे, तो सारी जिंदगी आप कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास जाते रहिए, डॉक्टर को बिल चुकाते रहिए, कमाते रहिए, डॉक्टर को देते रहिए। आज डायबिटीज, आज गैस है, कल डायबिटीज हो जाए। बट हमारा चाय क्या करता है, ये लीवर के सेल की सफाई करता है। सिंपल, अगर ये लीवर के सेल की सफाई कर दिया तो गैस कब्जियत होने देगा? होने देगा? खाना को पचाएगा कि नहीं पचाएगा? भूख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज का आदमी को तीन प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाता है, बोला डॉक्टर साहब कोई ऐसा दवाई दीजिए जिससे हमको भूख लग जाए। डॉक्टर उसको दवाई देता है और वो खाता है, उसको बराबर भूख लगता है। खाना खाया, पूरा पेट भर गया। अब फिर गया डॉक्टर के, बोला डॉक्टर साहब अब क्या हुआ? डॉक्टर साहब पचा नहीं, पचे वाला भी दीजिए। अब उसको पचे वाला लेता है, फिर उसका खाना पचता है, सवेरे जाता है बाथरूम निकालने, उसको पूरा दम लगाता है, नहीं निकलता है। फिर डॉक्टर के यहाँ जाता है, बोला डॉक्टर साहब अब का निकले वाला भी दीजिए। एक एक आदमी को तीन तीन को दवाई खा के जिंदा रहना पड़ रहा है, और ये तीनों काम हमारा रेसी गैनो टी अकेले करता है। अकेले करेगा, भूख भी लगाएगा, खाना भी पचाएगा, और सवेरे निकाल भी देगा। और कीमत 450 रुपए में 250 कप। एक कप की कीमत लगभग 2 रुपए, लगभग 2 रुपया। बाजार में 2 रुपया में एक कप चाय मिलता है? नहीं। तो बाजार के चाय से सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? सस्ता। अच्छा, ये हर घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जा रहा है, जाओ लेके जाएंगे तो जाओ चले जाओ उनके घर, चाहे उनके घर चले जाओ, चाहे उधर चले जाओ, हिंदू नहीं रहा है। इसके अंदर दो को बीमारी है, और वही बीमारी के कारण आप यहाँ है। इसका मुंह नहीं है, बोल नहीं सकता, गूंगा है, और चल नहीं सकता, इसका पैर नहीं है। अगर आप इसका मुंह और पैर बन जाइए तो आपको माला माल कर देगा। बन सकते हैं? Yes। बन सकते हैं? Yes। ये आप पहुंचाइए या कोई और पहुंचाए, ये तो जाएगा हर घर में। Yes। ये रुकने वाला नहीं है, हर घर में जाएगा, और हर घर में जाएगा तो हर घर से पैसा आएगा। ये सोचिए कितना बड़ा मार्केट है, हर घर में जरूरत है इसको। क्यों? क्योंकि अभी का स्थिति बता रहा हूँ, अभी 2023 का डाटा, 10 में 9 घर में गैस की बीमारी है, कोई घर नहीं बचा है। 10 में 9 घर में गैस का बीमारी है। आप इसको खाली पिला दिए, 20 दिन अगर पी ले बढ़िया से, तो 20 दिन के बाद उसको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना लोग इसको पिए? सच सच बताइए, फायदा करता है कि नहीं करता? फायदा करता है। तो इतना वो किया, तू जो आठ आया उसको नहीं करेगा? करेगा। जो आठ आया होना चाहिए। अब तेरा दूसरा चीज समझिए, एक काम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। मोबाइल मिल गया, सर्विसिंग हो गया, अब उसको बढ़ाना है आगे। अच्छा डाला,
आप देखिए डराएगा, कहां से डराएगा, यहां से। दूसरा चीज क्या चाहिए सेल को जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन और पोषण, ये सेल को चाहिए ताकि खाना बनाएगा तभी एनर्जी बनाएगा। तो ऑक्सीजन और पोषण किसको चाहिए? सेल को। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोशिका तक पहुंच नहीं रहा है ना ऑक्सीजन और ना पोषण। खूब सांस ले रहा है आप लेकिन कोशिका तक नहीं जा रहा है। जब कोशिका तक नहीं जाएगा तो ऊर्जा बनेगा नहीं, ऊर्जा नहीं बनेगा तो चार को बीमारी होगा। और आप लोग के साथ इशारा इसलिए कर रहे हैं कि बीमारी आप ही लोग को ज्यादा होगा, इधर वाला को थोड़ा कम होता है लेकिन आप लोग को ज्यादा होगा। कौन सा बीमारी? पहला होगा थकान, तुरंत थकिएगा, कमजोरी आपको सता देगा, रुआ देगा आपको, खाते रहिए विटामिन की गोली आप। तीसरा आलस, दिन भर खाली बैठे बैठ गया, सुस्ती जहां बैठिए तहां सुंदर रही है। अगर मिल गया अड़ने वाला जगह पीछे तो कहने ही नहीं, आप तो गए आप काम से। बहुत सारे लोग आप लोग तो दिखते नहीं है, हमारे यहाँ सब जमीन पर बैठा है तो उसको दीवार पर खोजता है, दीवार पर बैठ रहा आराम से स्टैंडिंग मोड में रहेगा। तो ये चार बीमारी सबसे ज्यादा किसको होता है? लेडीज। आज 10 में 9 घर में बीमारी है कि नहीं? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। बस आगे बढ़िए, काय होता है वो समझिए। ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, अंदर गया, फेफड़ा में गया, उसके बाद खून इसको पकड़ के और एक एक सेल तक पहुंचाता है। यानी माल ढोने का काम कौन कर रहा है? जोर से बोलिए, कौन किया? इसीलिए हमारा शरीर में देखिए पाइप कैसे बिछा हुआ है। आप एक चाइनीज कांटी खरीदिए, लोहा वाला ना चाइनीज, एकदम सीधा जाता है, मुड़ता नहीं है, ठीक है, लोहा मुड़ जाता है ज्यादा प्रेशर पड़ने पर। और उसको कहा कीजिए आंख बंद कीजिए, कहीं घुसा के देखिए खून निकलता है, पानी निकलता है, देखिए तो कहीं घुसा के, तो जैसे घुसाइएगा तो क्या निकलेगा? इससे समझ में आता है कि नहीं? सगरों का है, सगरों कौन दौड़ रहा है? खून। वही खून क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेकर पहुंचा रहा है सेल तक। और जो खाना खाते हैं वो खाना भी एक एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? खून, यानी ट्रांसपोर्ट।